وين جديد؟ هذا جديد؟ السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں انڈیا اور سعودی عرب کی بڑی اور اپڈیٹڈ خبروں کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سعودی عرب کی فوڈس اینڈ ڈرگس اتھارٹی نے ایک ایسے انجان کار کو گرفتار کیا ہے جس میں برانڈیڈ کمپنیوں کے نام پہ ڈپلیکیٹ تیل کو پیک کر کے مارکیٹ میں دکانوں میں سپلائی دیا جا رہا تھا۔ अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग के दौरान इस गाड़ी में भारी मात्रा में डुप्लीकेट तेल बरामद हुआ है, उसको जब्त किया गया है, जो ब्रांडेड कंटेनर में ब्रांडेड पैकेट में पैक करके उसे मार्केट में दुकानों में सप्लाई दिया जा रहा था। شوف معدة بيت، هذه مليانة كلها معدة بيت۔ अधिकारियों ने बताया है कि कार को जब्त कर लिया गया है, उसमें मौजूद अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है और उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया गया है आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए। और अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तबुक क्षेत्र में एक ऐसे गोदाम पे छापा मारा है जहां पे लगभग 3 टन प्याज को छुपा करके रखा गया था कालाबाजारी के लिए। जब अधिकारियों ने वहां पे छापा मारा तो उस गोदाम के अंदर लगभग 3 टन प्याज मौजूद था। अधिकारियों ने प्याज को जब्त कर लिया है और उसे मार्केट में भेज दिया गया। और अगली खबर इंडिया से है। यूपी के महोबा शहर में एक ऐसी घटना घटी है जो सुन के आपको बहुत हंसी आएगी और आपको बहुत बुरा भी लगेगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यूपी में पुलिस भर्ती शुरू हुई थी, पुलिस की वैकेंसी शुरू हुई थी और लाखों लोगों ने पुलिस का फॉर्म भरा था नौकरी के लिए। उसी में एक ऐसा शख्स है जिसका नाम देवेंद्र सिंह है, उन्होंने भी फॉर्म भरा था यूपी पुलिस के लिए और उसके पास जब एडमिट कार्ड आया है एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड पे उस आदमी के नाम की जगह पे सनी लियोनी का नाम है और उसके फोटो की जगह पे भी सनी लियोनी का फोटो लगा हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं वह आदमी किस तरीके से अपना दर्द को बयान कर रहे हैं, आप वीडियो में देखिए। कहाँ रहते हैं आप? धर्मेंद्र सिंह, ग्राम लगौलिया बुजुर्ग, ब्लॉक जैतपुर, चौकी जैतपुर, थाना कुलपहाड़। कैसे सनी लियोनी बन गए आप? क्या है पूरा मामला? यूपी प्लस का फॉर्म डाले थे गोल्डी कंप्यूटर से, जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड। रजिस्ट्रेशन वही है? वही है रजिस्ट्रेशन, वही है रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट की, जो मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है, पिन कोड सही है, माँ की पूरा बदल दिया गया है। किस तरह का सपना था पुलिस बनने, किस तरह का कार्य करना चाहते थे आप? यूपी पुलिस में हम सेवा करना चाहते थे लोगों की, मतलब सेवा करना चाहते थे। हम 2 साल से तैयारी कर रहे थे, इलाहाबाद भी तैयारी कर रहे थे, उसके बाद महोबा आए, महोबा आके फॉर्म डाला है, 4 जनवरी को फॉर्म डाला था। पेपर कब था आपका? पेपर 17 तारीख को फर्स्ट पाली में 10 बजे से चालू था। सरकार व्यवस्थाओं की लाख दावे कर रही है, कह रहे हैं इस बार कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, आप किस तरह से परेशान हुए? हमारे एडमिट कार्ड में सनी लियोनी की फोटो आ गई और नाम भी उन्हीं का आ गया, एड्रेस भी वहीं का आ गया। तो फिर पेपर देने गए आप या नहीं गए? नहीं सर, गाँव में ही रहे? नहीं, हमने पता किया था तो उसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए हम गए ही नहीं। तो यहाँ चौकी फिर कैसे आ गए आप, किसने बुलाया? क्राइम ब्रांच के हमारे घर में आए थे अधिकारी लोग, फिर उसके बाद चौकी से गए थे प्रभारी, तो उसके जब बुलाया तो हम सुबह आए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारा पेपर कराया जाए।
अब वीडियो में देख रहे थे कि वह शख्स कितना परेशान है और वह यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरा था। आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके की घटना जिसने भी किया है, जो अधिकारी ने इस तरह का गलती किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी के भविष्य का सवाल है। हो सकता था कि इस बंदे का सिलेक्शन हो जाता यूपी पुलिस में और उसे नौकरी मिल जाती, लेकिन एक अधिकारी के गलती की वजह से ये बंदा एग्ज़ाम नहीं दे पाया है और इसे नौकरी नहीं मिलेगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक शादी समारोह था जिसमें रिश्तेदार और करीबी लोग मौजूद थे। उसी वक्त पे मधुमक्खियों ने वहाँ पे हमला कर दिया। मधुमक्खियों का हुजूम उस जगह पे हमला कर दिया जहाँ पे रिश्तेदार मौजूद थे। दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं इसमें और दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं। आप अभी वीडियो में देख रहे थे कि किस तरीके से मधुमक्खियों ने हमला किया है लोगों पे। लोग बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए हैं इसमें और सबको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है और सबका इलाज चल रहा है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि गल्फ और इंडिया की तमाम अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तब तक रखिए अपना ख्याल, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।